तो ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स बच्चे आज न्यू है मेरी क्लास में, जैसे छाया न्यू है, ठीक है, तो छाया आप बच्चे क्या करना, कोऑर्डिनेशन के दो लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, आप वो रिकॉर्डिंग से कवर कर लेना। एंड मैं ट्राई करूंगी कि इस लेक्चर में ऐसा तो ना हो कि आपके सारा सर के ऊपर से जाए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो जल्दी से मुझे डेट बता दो भाई आज की, मैं भूल जाती हूँ। अशर मैं जो काम बोलती हूँ ना बेटा, करके नहीं दिखाते हो तुम। मैम टाइम नहीं मिल पाता। ओहो बहुत बिजी हो, बिजी इंसान है। अच्छा ठीक है, बात करूंगी मैं कल तुमसे फोन पे, कॉल पे, ठीक है, चलो। अच्छा अभी तक जो हमारे दो लेक्चर्स हुए हैं बच्चा, उसमें हमने क्या क्या कर लिया था। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा था कि होते क्या है ना, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स देखे थे। कौन कौन से थे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, इसमें ज्वाइन किया जुनैद ने। हाँ मुझे जल्दी बताओ कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक में आप क्या बोलते हो, अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे आपका पॉजिटिव चार्ज है वो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होता था, अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता था, और अगर कोई चार्ज नहीं होता था तो वो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता था, ठीक है। उसके बाद हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी आप लोगों को मैंने बताई थी कि ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ रहे हो, जो कि आपको पता है वन ऑफ द मोस्ट चैप्टर है आपके 12th क्लास का, तो ये वाली छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड क्या होते हैं ये मैं थोड़ा छाया के लिए, डोनेट करने वाले होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, किसको डोनेट करते हैं, ठीक है। अब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं बच्चे तो ये लुईस एसिड हुआ करते हैं, और जो देते हैं वो लुईस बेस, ठीक है। उनके बीच में बॉन्ड कैसा बनता था, लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में, वेरी गुड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। और क्या किया था हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीख लिया था। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते थे, डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। डेंसिटी क्या होती थी, अब डेंसिटी किसी की 1 भी हो सकती थी, है ना। मान लो जो आप लिगेंड ले रहे हो बच्चे, अगर उसमें देने वाला सिर्फ एक ही बंदा है ना, देने वाला सिर्फ एक ही है, बेसिकली डोनर एटम एक ही है, तो उसकी डेंसिटी 1 हो जाती थी। देने वाले दो थे तो डेंसिटी 2, जिसको आप क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट। ऐसे ही तीन होंगे, ट्राई, चार, टेट्रा, पांच, पेंटा, सिक्स, हेक्सा। तो ये सारी चीजें हमने, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। और आप ये चीजें ध्यान रखना बच्चे, जो मैंने आप लोगों को ये बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट ये सब बताए थे ना, आपको मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले एग्जाम्पल्स करवाए थे कि जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं इतने सालों में, ठीक है। तो आप थोड़ा सा उस पर फोकस करके रखना, डीएमजी है ना, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ये भी कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को क्या कराऊंगी, इनका नामकरण करना सिखाऊंगी, बेसिकली नोमेनक्लेचर करना सिखाऊंगी इनका, ठीक है, कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स आ जाता है। अच्छा हाँ, कॉम्प्लेक्स को लिखते कैसे थे बच्चे, स्क्वेयर ब्रैकेट में लिखते थे इस तरह से। हाय ममता, नहीं बच्चे ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर चल रहा है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप न्यू स्टूडेंट हो, मतलब आप कैटलिस्ट से आए हो अल्फा बैच में। अच्छा तो बेटा ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है, मैंने ऑलरेडी 3 चैप्टर करवा चुकी हूँ मैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन और आपका केमिकल काइनेटिक्स। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर है, इसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हो गए हैं, तो मैं वही आपको भी बोलूंगी कि आप प्लीज वीडियो रिकॉर्डिंग से 2 लेक्चर्स को कवर कर लेना, ताकि आपको जो बाकी के लेक्चर्स हैं वो उसमें समझने में उसमें डिफिकल्टी ना आए, ठीक है। चलिए तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स में लिखते थे, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते थे, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हुआ दीपक, मैं नए बच्चे का ले बोल रहा हूं लिंक के लिए। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो भी बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखते थे, ये क्या था बच्चे तुम्हारा, सेंट्रल मेटल एटम था, सेंट्रल, ये क्या था, लिगेंड था, यस मैम, ये क्या था बच्चे, काउंटर आयन, काउंटर आयन, ठीक है। अच्छा और ये क्या था बच्चे तुम्हारा, आयनाइजेबल वाला पार्ट था, और ये तुम्हारा नॉन आयनाइजेबल,
ठीक है, फिर यहाँ से हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सब कुछ निकालना सीख लिया था। फिर हमने जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था ना बेटा, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, वर्नर थ्योरी डिस्कस की थी। तो वर्नर थ्योरी ने, जो वर्नर नाम का बंदा था, मैंने कहा था बड़ा इंटेलिजेंट था वो, है ना, तो उसने क्या बताया था कि जो मेटल है वो दो टाइप की जो वैलेंसी है वो पोजेस करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। हाँ, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, राइट। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी बोले तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन। जब भी आपको एग्जामिनर ये बोले, आपको मान लो ये सपोज यही कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ठीक है, मैम आनंद सर ने ज्वाइन किया है, हाँ जी, गुड इवनिंग करोगे क्या उनको, कर दो। यस मैम। अरे तुम लोग ना, तुम्हारा ध्यान पढ़ने में नहीं, ये देखने में कौन ज्वाइन किया है, चलो आ जाओ। ठीक है, अगर मान लो ये वाला कॉम्प्लेक्स तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, अरे इधर देखो, ठीक है, तो अगर मान लो वो यही निकालने के लिए बोल दे कि प्राइमरी वैलेंसी निकाल लो सेंट्रल मेटल एटम की, तो तुम निकाल लोगे, कुछ नहीं करना, यू हैव टू फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा ये प्राइमरी ना ऐसे मत लिखना, ठीक है, टीचर को मत लिख के दिखा देना, ऐसे लिखना, ठीक है बच्चे। और अगर मान लो वो बोले कि सेकेंडरी वैलेंसी निकाल दो, तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और आपको पता ही है कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं, डेंसिटी इनटू लिगेंड। जैसे मुझे ये, मैंने वैसे गलत लिखा है, यहाँ पे आप फिक्स कर लेना। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोगों को निकालने के लिए बोले, तो आप क्या करोगे, डेंसिटी अमोनिया की 1 होती है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, कर लिया। तो आज का जो हमारा पूरा जो टॉपिक रहने वाला है वो नोमेनक्लेचर रहने वाला है और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चंस पूछ रहे थे मैम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का कैसे होगा, तो इसके बाद वो टॉपिक, तो पहले हम नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद हमारे पास टाइम होगा तो कर लेंगे, अदरवाइज फिर कल करेंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन बच्चे नोमेनक्लेचर पे आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूँ, जितने भी ये मैंने आपको लिगेंड्स लिगेंड्स बताए थे, आप लोगों को इनके नाम पता होने चाहिए, सारों के पता रहे कोई बात नहीं, पता रहे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो जो मैं आपको लोगों को बता रही हूँ वो पता होने चाहिए। जैसे कि आई होप कि आप लोग लर्न करके आए होंगे, बट अगर नहीं करके आए तो एक बार सुन लीजिए, PPH3 का मतलब क्या है, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ठीक है, फॉस्फोरस के क्या लगे हुए हैं, तीनों साइड फिनाइल रिंग्स लगी हुई है, मैंने आप लोगों को बना के भी दिखाया था उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, ये देखिए इस तरह से होता है, ठीक है, और फॉस्फोरस पे दो इलेक्ट्रॉन, कोई मुझे बताएगा कि फॉस्फोरस पे दो इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पे चला गए ना उसके इलेक्ट्रॉन, दो बचे रहते हैं वैलेंसी जोड़ी से। हाँ ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, तीन बोन बनाते हैं ना, वैसी फास्फोरस भी तो उसका फिर भाई है ना, ठीक है, फास्फोरस 16 ग्रुप का मेंबर है ना, नहीं नहीं बेटा 15 ग्रुप का है, 15 का है ना, चलिए ठीक है, ये बीच बीच में लेट क्यों आ रहे हो भाई, जल्दी आया करो, मैं अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी लास्ट में, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी आया करो बेटा, चलिए ठीक है। आगे देखो, इसमें देखो ये पिरिडीन है, पिरिडीन के आपने दर्शन किए थे 11th में, पिरिडीन मैंने आपको दिखाया भी था, पिरिडीन ऐसा वो दिखता है, ठीक है, ये भी क्या है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल लिगेंड है, PPH3 भी तुम्हारा क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। अमोनिया, इसका तो नाम भाई याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अमीन, और ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग AMMINE, अगर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ गया ना और तुम लिख के आ गए AMINE तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, ऐसी सेम फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। नीट में अगर मान लो चार ऑप्शन है और दो ऑप्शन तुम्हें बिल्कुल सिमिलर दिखाई देना, सिर्फ और सिर्फ अमीन की स्पेलिंग में डिफरेंस है, और तुम अगर गलती से लगा के आ गए AMINE तो फिर नेगेटिव में मार्क्स आएंगे, ठीक है, तो ये वाली चीजों का, छोटी छोटी चीजें होती है, AMINE है क्या वो बेटा, मैम एनएससी होता तो AMINE है, इसको तो हम अमोनिया भी बोलते हैं ना, अमोनिया बोलते हैं देखा जाए तो, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन में इसका जो IUPAC ने नेम दिया था वो अमीन दिया था, और ध्यान रखना डबल एम ही लगा हुआ है, अमीन तो फंक्शनल ग्रुप है, और वैसे भी अमीन NH2 होता है, दिस इज योर अमीन, याद आ रहा है, यस मैम, ठीक है, चल इधर देखो H2 को क्या लिखोगे, वॉटर मत लिख देना, एक्वा लिखो, एक्वा
एक्वो मत याद करो, बेशक एक्वा याद रखना है, ठीक है। तो उसके बाद सीओ को क्या बोलोगे, कार्बोनिल बोलोगे, एनओ को क्या बोलोगे, नाइट्रोसिल बोलोगे, ठीक है। उसके बाद देखो ये सारे हेलोजन्स है, हेलोजन्स में फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो। पहले टाइम में फ्लोरो भी लिख देते थे, बट अभी का जो आयुपिक है थोड़े से चेंजेस होते रहते हैं उसमें, तो फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो आप ये लिखे, ठीक है। इसके बाद ये याद करने इतने ज्यादा जरूरी नहीं है, जनरली ये कम ही इंक्लूड होते हैं आपके उसमें नेमिंग में, बाकी आपको मैंने ऑलरेडी याद भी करवाए हुए। ये साइनाइडो हो गया, अगर मेटल आपका नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या होगा, आइसोसाइनाइडो होगा, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था। उसके बाद ऐसे ही HCN नेगेटिव बच्चे थायोसाइनाइडो होगा, अगर वो S से बॉन्ड कर रहा है मेटल एटम, अगर नाइट्रोजन से कर रहा है तो थायोसाइनाइडो, थायोसाइनाइडो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे इसमें देखो नाइट्राइटो N और ये नाइट्राइटो O, समझ रहे हो। जैसे जो आपका नाइट्रेट है इसमें क्या लगाओगे, पीछे O लगाओगे, नाइट्रेटो। जैसे कार्बोनेट है कार्बोनेटो, सल्फेट है सल्फेटो, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद ये क्या है बच्चे, NH2 नेगेटिव अमाइड होता है, तो इसमें कैसे करोगे, IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग अमाइडो क्या करोगे, अमाइड। N3 नेगेटिव क्या होता है बच्चे, नाइट्राइड होता है, तो क्या करोगे, नाइट्राइडो। कोई दिक्कत है किसी को अभी तक यहाँ पे? नो मैम। चलिए ये वाले ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके ज्यादा देखने को भी नहीं मिलेंगे IUPAC नेमिंग में। हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान रखो, सल्फेटो और सल्फाइडो, और इनको याद रखो। NO प्लस को क्या लिखते हैं, नाइट्रो, नाइट्रो हीलियम, ठीक है। चलूं आगे? यस मैम, यस मैम। अभी हमें क्या करने हैं बच्चे, सबसे पहले ना रूल्स देखने हैं नोमेनक्लेचर के, ठीक है। उसके बाद जब तक हम रूल्स नहीं सीख लेंगे तब तक हम नेमिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट रूल है, ध्यान से समझना, साथ साथ मत नोट डाउन करना, जो मैं समझा रही हूँ उसको कर लेना। आपको क्या करना है, सिर्फ ये नोट डाउन करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, आप लोगों को सिर्फ ये समझना है, जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो करने हैं, उसके बाद जो आपको मॉड्यूल दिया गया है उसके सारे क्वेश्चंस लगाओ, बस यही काम है आप लोगों का, ठीक है। तो बच्चे फर्स्ट पॉइंट जो ये है वो क्या है, लाइक सिंपल सोल द कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। आप लोगों को पता है अगर मैं NaCl की बात करूं तो जनरली आप क्या बोलते हो कि आप कैटायन को पहले लिखते हो, कैटायन वाले पार्ट को, एंड नेगेटिव वाले पार्ट को बाद में लिखते हो। सेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यही है कि पहले आप कैटायनिक वाले पार्ट को लिखोगे फिर अनायनिक वाले को, बेशक आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो। हाँ गुंजन, गलती से हो गया क्या? Yes, ma'am. ठीक है, चाहे वो आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो चाहे वो आपका अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है। और याद करो जितने भी हमने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, दोबारा बता दो। ये देखो मैं ये बोल रही हूँ, जो भी आपका कॉम्प्लेक्स लिखा होता है चाहे वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो, कैटायनिक मतलब अगर आपके कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव चार्ज है ना, बताया था मैंने, और अनायनिक कॉम्प्लेक्स मतलब अगर आपके कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स को लिखोगे तो पहले आप कैटायनिक वाले पार्ट को लिखोगे फिर अनायनिक वाले को, देख पा रहे हो ना, ये कैटायन हो गया और ये अनायन वाला पार्ट, ठीक है। ऐसे देखो इसमें पोटेशियम हो गया, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है आप लोगों को पता है, और ये क्या हो गया आपका अनायनिक वाला पार्ट, ठीक है। कोई ये दिक्कत? चलिए ओके आगे आओ, ध्यान से समझोगे तो इजी लगेगा, बस थोड़ा सा कहीं और आप लोगों का माइंड नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट है, द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ लिगेंड, नोट द प्रीफिक्स बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम आयन। ध्यान से देखना, अगर मैं जब इसका नामकरण करूंगी मतलब जब मैं इसका नेमिंग करूंगी तो आपको क्या करना है, पहले लिगेंड के नाम लिखने हैं उसके बाद आपको सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, ठीक है। जबकि अगर आप जब फॉर्मूला लिखते हैं तो आप पहले कैटायन वाला पार्ट लिखते, देख पा रहे हो पहले आपने प्लैटिनम लिखा उसके बाद आपने लिगेंड्स लिखे, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में सबसे पहले आप लिगेंड्स को उनकी नेमिंग करेंगे, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो अल्फाबेट में पहले आएगा वो उसको आप पहले लिखेंगे। जैसे यहाँ पे CH3 कर लेना बच्चे, ठीक है। ये देखो NH3 है, NH3 के लिए क्या नेम होता है, अमीन, अमीन, अमीन,
ब्रोमीन के लिए हम यूज करते हैं ब्रोमाइडो ब्रोमाइड सीएल. अभी मैं पूरा नेमिंग नहीं करना सिखा रही हूँ आपको, अभी मैं रूल्स बता रही हूँ आपको. सीएल क्या होगा? क्लोराइडो. ठीक है ओके. सी एस थ्री एन एच टू का नाम क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ ऑर्गेनिक मिथाइल अमाइड. मिथाइल अमाइड. मिथाइल अमाइड. अमाइन. अमाइडो. यस अमाइन. अमाइन अमाइन. एन एच टू अमाइन है. अमाइन. एडिटिव अमाइडो है. ठीक है चलिए. तो अब मुझे बताओ, अब मुझे इन लिगेंड के नेम लिखने हैं नेमिंग करते वक्त. तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? अमीन आएगा पहले नंबर पे, उसके बाद ब्रोमाइडो, उसके बाद क्लोराइडो, उसके बाद मिथाइल अमाइड. समझ गए सेकंड वाला? यस मैम. आगे चलते हैं नेक्स्ट. ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है. प्रीफिक्स मोनो. देखो क्या मोनो को हटाओ. प्रीफिक्स डाई ट्राई एक्सेट्रा आर यूज टू इंडिकेट द नंबर ऑफ द वन काइंड ऑफ लिगेंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी. जैसे मान लो अमोनिया, दो अमोनिया है. तो अगर आपको बताना था तो नेमिंग करते वक्त कि दो अमोनिया है, तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? कुछ प्रीफिक्स यूज करने पड़ेंगे. तो बच्चे दो के लिए क्या लगाओगे? डाई. आई के लिए लगाओगे ट्राई. फोर के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा. जैसे इधर देखिए एग्जांपल, ये देखो जो ये लिखा हुआ है इसमें क्या दो अमोनिया, तो आप क्या लिखेंगे? डाइअमीन. यस मैम. और अगर दो ब्रोमीन है क्या लिखोगे? डाइब्रोमाइड. अभी नेमिंग कर, आपको पूरा नेमिंग करके नहीं दिखा रही, अभी मैं आपको सिर्फ रूल्स बता रही हूँ. डाइब्रोमाइड. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर आगे चलो. सिंपल है. चलिए उसके बाद ये देखो, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलो. और आप प्लीज ना थोड़ा थम्स अप वगैरह मुझे देते रहा करो, मुझे पता लगते कि भैया मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है. हाँ ऐसे ऐसे करा करो भाई, तुम लोग ऐसा बोरिंग मत किया करो क्लास को, वैसे तो इतना बोलते हो तुम लोग. ठीक है चलो चलो. ठीक है सर आ रखे है ना इसलिए शांत है. जो तुम सर आ रखे है तो शांत क्यों भाई? मैं वो फालतू की बात बोलो करने को बोलने लगी. अरे इधर देखो, इफ लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन्स एनी वन ऑफ दिस प्रीफिक्स, इधर देखो इन इट्स नेम. अभी किसने ज्वाइन किया? चलिए ओके. इफ लिगेंड्स ऑलरेडी कंटेन एनी ऑफ दिस प्रीफिक्स इन इट्स नेम देन बिस ट्रिस टेट्रा किस एक्सेट्रा प्रीफिक्स आर प्रोवाइडेड टू लिगेंड एंड इट्स सेट ऑफ इन पेरेंथेसिस. क्या बोल दिया इन्होंने? अगर मान लो ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा ये सब यूज करे हूँ आपके कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ओके गायत्री. ठीक है अगर ऑलरेडी डाई ट्राई यूज कर रखे हूँ तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? तब आप लगाओगे टू के लिए बिस, थ्री के लिए ट्रिस, फोर के लिए टेट्रा किस, फिफ्थ के लिए पेंटा किस, हेक्सा किस, हेप्टा किस, इस तरह से लगाओगे. ठीक है जैसे ऐसे तो समझ में नहीं आएगा जब तक हम एग्जाम्पल ना देख ले. तो एक बार इस एग्जाम्पल को बच्चे ध्यान से देखना, ध्यान से देखो बिल्कुल. इसकी नेमिंग छोड़ो, नेमिंग कैसे की है, सिर्फ ये देखो सीएल आपके पास दो है तो यहाँ पे तो सिंपल डाइक्लोराइडो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है. यस मैम. ठीक है ये देखो पीपीएच थ्री लिखा हुआ है. पीपीएच थ्री हमें पता है ये क्या होता है? ट्राइफिनाइल. तो अब यहाँ पे ऑलरेडी सफिक्स सॉरी प्रीफिक्स आ चुका है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा? ट्राई लगाना पड़ेगा. देखो ना दो है बेटा. यस मैम. बिस. ठीक है जी चलिए आगे देखो. यहाँ पे भी क्या है? दो सील हैं तो इसके लिए भी डाइक्लोराइड हो. ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड, मैं देखूंगी कितना रिवाइज कर दो तुम लोग. क्या है ये, कौन सा लिगेंड है ये? ओके लुगना ने हैंड रेज किया. बाकी 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 इतना सोच सोच के क्यों कर रहे हो? अरे 5 सेकंड के अंदर तुम्हारे हैंड रेज होने चाहिए. अंशिका ने किया, बाकी दीपक, साक्षी, निगम, प्रियांशु. अच्छा तो मतलब सिर्फ 5 बच्चों को पता है. हाँ प्रियांशु. इथाइलिन डायमीन. हाँ 5 बच्चों को बताया है क्या मैंने? गलत बात है, आप लोग रिवाइज नहीं करते हो प्रॉपर तरीके से चीजों. मैंने देखा देखा लग रहा था लेकिन याद नहीं. क्यों नहीं याद आ रहा था? मैंने क्यों याद नहीं रहा? मैंने कहा था इथाइलिन डायमीन को तो आप भूल ही नहीं सकते हो.
अगर चलो अभी मान लिया भूल गए तो बात मैम एक मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी निगम क्या हुआ मैम एक मिनट के लिए मैम अभी आँख धो के आ रहा हूँ मैम आँखों में वो हो रही है। अच्छा ठीक है धोआ बेटा ठीक है। हाँ मैं क्या कह रही हूँ इधर देखो इथाइलिन डायमीन ना जितना तुम भूलोगे ना उतना ये चैप्टर तुम्हें याद दिलवाएगा ईएन का नाम क्योंकि जगह जगह पर तुम्हारा पाला पड़ने वाला है इस वाले लिगेंड से तो प्लीज मत भूलो ये बहुत मैंने कहा था बहुत पॉपुलर लिगेंड है भाई ठीक है। ईएन इथाइलिन डायमीन ऐसे ही तो दिखाते हैं ना उसको। यस मैम ईएन मैम गायत्री क्या रिपीट करूं बेटा मैम अभी आपने जो बताया अच्छा कौन से वाला ये अमीन मैंने तो सिंपल अभी यही बताया है। अगर ऑलरेडी प्रीफिक्स यूज किए होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स में तो आपको ये वाले प्रीफिक्स यूज करने पड़ेंगे बिस ट्रिस टेट्रा की सीए ठीक है। जैसे पीपीएच थ्री में क्या है ट्राई फिनाइल फोस्फीन है ऑलरेडी ट्राई आपका प्रीफिक्स इसमें यूज हो चुका है तो अब इसको दिखाने के लिए कि दो पीपीएच थ्री है तो आप क्या यूज करेंगे प्रीफिक्स बिस यूज करेंगे क्या यूज करेंगे बिस ठीक है। उसके बाद मैं इथाइलिन डायमीन बता रही थी तो एक बात देखो इथाइलिन डाई अमीन यही लिखते हो आप लोग। वैसे जनरली क्या होता है ना जब आप लोग इसका नेमिंग करेंगे तो आपको कहीं कहीं पे लिखा मिलेगा इथेन वन टू डायमीन तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इथेन वन टू डायमीन क्यों लिखा इसका ये नाम इधर देखना हाँ वन टू पोजिशन पे अमीन लगा है ठीक है। अब ये देखो अब अगर मान लो मैं इस टू को डाई लिख दू तो ये क्या बन जाएगा डाई इथाइलिन डायमीन तो इसका तो बोलने का तरीका ही बदल जाएगा ना हमारा। Yes, yes, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा बीस लगाएंगे चलिए उसके बाद उसमें लास्ट टाइम लिखी है आपने स्टेटमेंट कहाँ पे बेटा अशर मैम इट इज द सेट ऑफ इन पैरेंथेसिस। अच्छा ब्रैकेट में लिखना है ब्रैकेट में ये देखो ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है द नेम ऑफ अनायनिक लिगेंड एंड विद द लेटर ओ ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जितने भी अनायनिक लिगेंड्स होंगे आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द लास्ट लेटर ई बाय ओ जैसे आप लोगों को पता है फ्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड इसको क्या लिखोगे फ्लोराइड दो ठीक है क्लोराइड क्लोराइड दो इस तरह से लिखेंगे क्लोराइड दो जैसे आई नेगेटिव का ले लू तो आयोडाइड अच्छा ये क्या है आइट जैसे आपका नाइट्राइट है ना नाइट्राइट दो सल्फेट है तो सल्फेट दो कार्बोनेट है तो कार्बोनेट Easy है? Yes, yes. चलते हैं भूल मत जाना क्या पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमें क्या करना है नोमेनक्लेचर करना है जो हम इतने दो दिन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको शक्ल दिखाती आ रही हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में तो आज हम उसका देखेंगे कि उसका नामकरण कैसे करेंगे राइट उसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे वही सीखने के लिए हम उसके पहले रूल्स देख रहे हैं। जैसे आप ऑर्गेनिक में जब आप नोमेनक्लेचर करते हो अपने कंपाउंड्स का तो उसके लिए पहले आप रूल्स देखते हो तो सेम फॉर कोऑर्डिनेशन है आपको पहले रूल्स देखने पड़ेंगे फिर उसके बाद आप क्या करेंगे उसका नोमेनक्लेचर अच्छे से कर पाएंगे तो पहले हम वो नहीं पढ़ सकते डायरेक्ट पहले हमें रूल्स सीखने पड़ेंगे। उसके बाद देखो ये क्या लिखा हुआ है न्यूट्रल लिगेंड्स आर गिवन द सेम नेम एज द पेरेंट मॉलिक्यूल दो देयर आर एक्सेप्शनली सम लिगेंड्स विच आर गिवन स्पेशल नेम्स जैसे ये देखो पीरिडीन इसको तो पीरिडीन ही बोलते हैं और आपको पीरिडीन ही लिखना है ठीक है। इसको देखो बाय पीरिडीन को आपको क्या लिखना है बच्चे बाय पीरिडीन लिखना है मिथाइल अमीन को मिथाइल अमीन लिखना है ये आप लोगों को बताइए हाइड्राजिन सुना है सबने हाइड्राजिन यस ठीक है अच्छा और हाइड्रोक्सिल अमीन को हाइड्रोक्सिल अमीन लिखना कुछ लिगेंड्स को स्पेशल नेम्स दिए गए हैं और कुछ वैसे के वैसे हैं ठीक है। स्पेशल नेम किसको दिया हुआ है अभी ये देखो ये मैंने कहा था बड़े काम का इसकी स्पेलिंग मत भूल जाना तुम लोग ए डबल एम आई एन ठीक है अच्छा। उसके बाद ये कार्बोनिल है पानी को तुम एक्वा लिखोगे एनओ को तुम नाइट्रोसिल लिखोगे ठीक है जी। ये वाला पॉइंट देखना एक बार क्या लिखा हुआ ये सफिक्स हाँ जो आपका क्या है बच्चे कैटायनिक वाला पार्ट है ठीक है जैसे मान लो एनओ प्लस है ठीक है क्या लिखोगे
नाइट्रोसाइलियम ये लिख नाइट्रोसाइलियम। अब ना मैंने जब आपको याद हो तो मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने सिखाई थी आप लोगों को, उसमें ना ये वाली चीज छोटी सी रह गई थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आई हुई है, चाहे वो आपके बोर्ड्स में हो चाहे वो आपके नीट में हो। अब देखो क्या बोल रही हूँ मैं, दो तरह के कॉम्प्लेक्स हैं बच्चे, ये एक तो ये लिखिए अपनी नोटबुक में लिखेंगे सारे, एक तो ये वाला कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, और एक ये वाला लिखेंगे। एन के ऊपर माइनस है क्या हुआ बच्चे? नहीं नहीं, अरे कुछ माइनस नहीं है, ऐसे है लिखो, सिर्फ एनो है बेटा, ये वाला लिखो और एक ये वाला लिखो, लिख लिया? Okay, yes. इसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, अगर आपको याद हो तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। कभी किसी ने yes. किया ब्राउन रिंग टेस्ट 11th क्लास में? नहीं किया। पता है किसके लिए होता है टेस्ट? सल्फेट की डिटेक्शन के लिए होता है। अगर मान लो टीचर ने आपको जो सैंपल दिया है, ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो कि उसमें सल्फेट है या नहीं है, तो उसके लिए आप बहुत पॉपुलर टेस्ट होता है, ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। तो जब आप ये टेस्ट करते हैं ना, तो आपके टेस्ट ट्यूब में जो है इस तरह से ये ऐसा ब्राउन रिंग बन जाती है जंक्शन की तरफ, तो इससे आप पता लगा लेते हो कि हमारे जो सैंपल में सल्फेट है, तो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। टेस्ट मत लिखो इसको, टेस्ट का नाम ब्राउन रिंग टेस्ट है, जो ये कॉम्प्लेक्स लिखा है वो मैंने ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज तो ये, मेन चीज इसमें जो मुझे आप लोगों को बतानी थी वो ये बतानी थी, अगर आपको याद हो तो मैं जब आपको लिगेंड्स बता रही थी तो मैंने कहा था जो एनओ है नाइट्रोसिल वो न्यूट्रल लिगेंड की तरह बिहेव करता है, और देखो कई बार वो एनओ एज अ प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। तो ये दो ऐसे बच्चे पॉपुलर कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि पेपर में एग्जाम में बहुत पॉपुलर है, आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो इसमें एनओ है वो किसमें एग्जिस्ट करता है? प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो अगर मान लो मैं इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो आप निकाल सकते हैं? मुझे बताओगे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी? बताओ, निकाल के बताओ जल्दी। वन आएगी। ओके, दीपक कह रहे हैं वन आएगी, बाकी तस्लीम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है बच्चे सेंट्रल मेटल एटम पे आयरन की, तो देखो ना ऐसे निकाला होगा तुमने जैसे सिखाया था मैंने, जिसकी निकालनी है उसके लिए तुम एक्स लिखते हो, जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट अभी भी निकालने नहीं आई है तो आज लास्ट बार और बता लो, फिर नहीं तो हमेशा मैं आपसे पूछूंगी। आपको पता है वाटर कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, ठीक है, जीरो। और यहाँ पे मैंने क्या बोला, एनओ कैसे एग्जिस्ट करेगा इन प्लस वन, प्लस वन सल्फेट पे क्या आपको पता है माइनस टू का चार्ज होता है, तो कितना आ गया प्लस वन, ठीक है। ऐसे मुझे नीचे वाले का निकाल के दिखा दो, इसका नाम क्या है बच्चे? सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपने देखा होगा लैब में पड़ा रहता है, ये देखना लैब जाते हो क्या स्कूल में? तो वहां पे पीछे रखा होगा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, देखना सल्फाइड के लिए बेसिकली, अगर आपको पहचानना है कि आपके सैंपल में सल्फर है या नहीं है तो उसके डिटेक्शन के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिएजेंट यूज होता है, ठीक है। चलिए, हाँ इसकी वजह से निकालने है मैम, टू आ रही है, टू प्लस टू आ रही है, जैसे एक्स, सॉरी एक मिनट रुको, सोडियम है, सोडियम पे आपको पता है प्लस वन का होता है तो दो है प्लस टू प्लस एक्स, साइनाइड पे नेगेटिव का होता है माइनस वन का चार्ज है तो टोटल आपके फाइव लिगेंड्स है तो माइनस फाइव और ये प्लस वन तो कितना हो जाएगा प्लस। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा गलती तो नहीं करके आओगे? नो मैम। तो अब इसको स्टार बना के लिख लो, जब जब मैं स्टार बनवाती हूँ तो समझ जाया करो मैम कुछ इम्पोर्टेंट बता रही है। चलो आगे आओ बेटा, नेक्स्ट है भाई, अभी रूल ही देख रहे हैं हम। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ कैटायन, यहाँ पे एक बार ऐड कर लो न्यूट्रल, अगर मान लो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो ध्यान रखना जो मेटल का नेम होगा वो सेम होगा जो एलिमेंट का नाम है। क्या बोला मैंने? जो मेटल का
नेम होगा वो सेम होगा जो एलिमेंट का नाम है. जैसे ये वाला कॉम्प्लेक्स देखो कैसा कॉम्प्लेक्स है, ये कैटायनिक कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है. तो इसमें आपने जो सेंट्रल मेटल एटम लिया है वो क्या है तुम्हारा, कोबाल्ट है. तो जब आयुर्वेदिक नेमिंग लिखोगे इसकी बेटा तो उसमें भी क्या लिखोगे, इसका नाम कोबाल्ट लिखोगे. अगर मान लो इसकी जगह प्लेटिनम होता तो आप क्या लिखते, सिंपल प्लेटिनम लिखते. इसमें किसी को डाउट है? अगर ठीक है, अगर फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपका कॉम्प्लेक्स कैटायन है या न्यूट्रल है तो उसमें जब आप नेमिंग करोगे सेंट्रल मेटल एटम की वो बिल्कुल सेम होगी जो उस एलिमेंट का नाम है. आगे आइए, अगर मान लो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायनिक है, तो क्या, मुझे आज लग रहा है नोमेनक्लेचर ही होगा बस. अगर मान लो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, अनायनिक है, तो जो मेटल, बारिश हो रही है मैम यहाँ नेटवर्क इशू है, एक बार और बता दो, क्या बता दूं अर्चना? मैम इससे पहले वाला रूल बताया था ना आपने, वो दोबारा बता दो. अरे तुम लोगों का नेटवर्क इशू कब जाएगा, तुम डेली मेरे को, दो तीन बच्चे तो क्लास में बोलते मैम नेटवर्क इशू है. अभी अच्छा चलो कोई नहीं, इधर देख लो. मैं ये बोल रही हूँ बेटा, अगर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है या तुम्हारा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है, आपको पता है ना व्हाट आई मीन बाय क्या बोलते हैं ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स, ठीक है. अगर पॉजिटिव चार्ज है कैटायनिक बोलते, कोई चार्ज नहीं न्यूट्रल बोलते, तो ध्यान रखना जो सेंट्रल मेटल एटम का नेम है वो सेम रहेगा जो की एलिमेंट का नाम है, ठीक है. कोई बात नहीं, जब मैं इसकी नेमिंग लिखवाऊंगी तो और चीजें क्लियर होंगी. अगर मान लो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स अनायनिक है तो ध्यान रखना जो मेटल का नेम है वो किससे एंड होगा, अगर आई यू एम है, ठीक है, ई एन है और ईज है, इनसे एंडिंग हो रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, पीछे क्या लगाना है ये भूल भी जाओ, ये इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत कंफ्यूजिंग है, इसको रहने दो, बस इतना ध्यान रखो. ये तो पता लगा लोगे ना कि आपका कॉम्प्लेक्स अनायनिक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यही पता नहीं लगा पाते कि कॉम्प्लेक्स अनायनिक है या नहीं है, ठीक है. जैसे मान लो तुम्हारा क्रोमियम है तो उसका क्या करोगे, क्या नेम हो जाएगा, क्रोमेट, क्रोमेट. अगर प्लेटिनम है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट. जिंक का, जिंकेट. पैलेडियम का, पैलेडेट. क्या बोलने में, वेनेडियम, वेनेडेट. मर्क्यूरी में, मर्क्यूरेट. ठीक है, ये देख लो एक बार जल्दी से, इसको निहार लो, फिर मैं आगे चलते. एल्यूमिनियम के लिए एल्यूमिनेट हो जाएगा आप लोगों का, स्कैंडियम के लिए स्कैंडेट, टाइटेनेट, वेनेडेट, जिर्कोनेट, पैलेडेट, रोडेट, रिनेट. ये इतने ज्यादा यूज नहीं होते, रोडियम रिनेडियम के यूज नहीं होते, जो मैंने ये अभी लिखवाए ना ये मोस्टली यूज हो जाते हैं. आपको कुछ नहीं करना, एट लिखना. जैसे ये देखो बेटा, अब मुझे ये बताओ कि ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है या अनायनिक कॉम्प्लेक्स है? अरे इधर देखो ना, ये तो कैटायन वाला पार्ट हो गया, तो ये वाला अनायनिक वाला पार्ट नहीं हो जाएगा. तो यानी कि जब इसमें आप सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखोगे, जब आप नेमिंग करोगे तो वहां पे कोबाल्ट नहीं लिखोगे, कोबाल्टेट लिखोगे. गुंजन को तो ये बताना है कि मैम कौन थी. साक्षी क्लियर हो गया? मैम मुझे लग ओवरऑल बोल रहे हो आप, जैसे कि पूरा मिला के क्या है. अच्छा, ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, बताया था ना मैंने, जितना कैटायनिक चार्ज होना चाहिए उतना ही एनायनिक चार्ज होना चाहिए, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल. आगे चलूं? यस मैम. ये फिर से आगे क्या, वही स्लाइड? यस मैम. अलग ही है, नाम ऐड हो गया इसके अंदर, तो एक बार इनको भी देख लो. मैग्नेट, कोबाल्टेट, कोबाल्टेट बहुत यूज होता है. निकलेट, जिंकेट भी काफी यूज होता है. प्लेटिनेट बहुत यूज होता है, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता. टंगस्टन एंड मोलिबेटनम, ये ज्यादा यूज नहीं होता, ठीक है. मैग्नीज भी यूज हो जाता है कई बार, निकल भी यूज हो जाता है. आगे चलूं अगर इसमें कोई डाउट नहीं है तो? किसी का नेटवर्क इश्यू तो नहीं हो रहा है ना? ठीक है. अच्छा चलो, उसके बाद लास्ट रूल है, फिर आपको नेमिंग करना सिखा देती हूँ. ये देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन, अनायन या न्यूट्रल. अगर मान लो आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स है कैटायनिक, अनायनिक या न्यूट्रल,
अगर आप सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो आपको उसमें उसको किसमें दिखाना है, रोमन न्यूमरल में दिखाना है। मान लो आपका कोई सेंट्रल मेटल एटम है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, तो उसको कैसे दिखाओगे, ब्रैकेट में दिखाओगे इस तरह से, रोमन नंबर, ठीक है, रोमन में। सॉरी 2 को कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ठीक है, 3 को कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे। समझ गए ना क्या बोलना चाह रही हूँ? पेरेंथेसिस ब्रैकेट में दिखाओगे आफ्टर द नेम ऑफ मेटल, मतलब जब आप मेटल लिखोगे उसका नेम लिखोगे उसके जस्ट बाद, कैसे, चलो एग्जांपल करते हैं। अभी दोबारा से रूल रिपीट करने की जरूरत है तो बता दो, अदरवाइज हम फिर एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। हम एग्जांपल करो, हम एग्जांपल से बेटर है। चलिए आ जाओ। तो ये देखो फर्स्ट आपका ये, जिसको आता है वो चुप रहेगा, ऐसे सारे एक साथ नहीं बोलोगे, ठीक है, जब मैं पूछूंगी तो आप बोलना, ठीक है, हैंड वेस करके। तो ये मैं करवा रही हूँ, देखो अभी आपको ये लिखा हुआ है आप लोगों के आगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, लिगेंड का नेम लिखते हैं। yes, मुझे लिगेंड का नेम भी हम कैसे लिखते हैं, जो अल्फाबेट में पहले आता है। अब देखो ना ये चीज थोड़ी सी ध्यान से देखना, एक अमीन है और एक एक्वा है, अब दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहे हैं। अब क्या करोगे आप? सेकेंड वाला आएगा, अच्छा एम पहले आता है, क्यू पहले आता है अल्फाबेट में, पहले आता है। तो ये सेकेंड किस लॉजिक से आप लोगों ने बोला मुझे कि एक्वा पहले आएगा, ऐसी मनमर्जी? अमीन बोला ना मैम, मैंने भी अमीन बोला। अच्छा फिर मैंने गलत सुन दिया, चलो छोड़ो, इधर आओ। तो क्या लिखूंगी बच्चे, सबसे पहले मैं थ्री के लिए क्या लिखूंगी, ट्राई अमीन, ध्यान रखना स्मॉल लेटर से ही आप स्टार्ट करेंगे, ट्राई अमीन, कोई गैप नहीं रहेगा, कोई गैप नहीं रहेगा, ये क्या होगा, ट्राई एक्वा, ट्राई एक्वा, ठीक है, लिगेंड खत्म, सारे लिगेंड खत्म। अब पहले तो मुझे ये क्लियर करो, ये कॉम्प्लेक्स कैसा, न्यूट्रल है, कैटायनिक है, क्या दिख रहा है तुम्हें? कैटायनिक है, तो यानी कि इसका नाम एज इट इज रखूंगी जो इसका है, क्रोमियम, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट में इसकी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो निकालो सारे बच्चे, हैंड रेस कर लेना, ऐसा एक साथ मत बोला करो तुम लोग। अच्छा सुंदुस ने हैंड रेस, सुंदुस आप अभी आई हो क्लास में? नो मैम। अच्छा निकालने में बड़ा टाइम लगाते हो ना तुम लोग, नीट में इतना टाइम नहीं लगाना आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, विद इन 10 सेकेंड आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको मैंने बताया था एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है बेटा नीट में, पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं रहता है, जेई से लेवल थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ एक्यूरेसी का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ता है उसमें। अच्छा चलो ठीक है, मैं पूछती हूँ, मुझे बताओ नीतिका तुम बताओ। मैम 6 ऑक्सीडेशन स्टेट 6 आएगी क्रोमियम की यहाँ पे, कितनी आएगी? 3 आएगी। ध्यान रखो इन छोटी छोटी चीजों को तुम भूल जाते हो, मैं हमेशा कहती हूँ ये छोटी छोटी चीजें ही गलती करवाती है हमारी, तभी जो मैं बोल के चली जाती हूँ ना, कई बार मैं वर्बली बोल देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, तो ये आप लिखा करो, ठीक है। चलो एक बार मैं निकालना फिर सिखा देती हूँ, कैसे करोगे, एक्स लिखोगे, आपको पता है अमोनिया कैसे है, अमीन NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0, ये भी क्या है, न्यूट्रल है, 0, और Cl -1 का होता है तो क्या होगा, -3, तो यहाँ पे लिख दूं 3 प्लस, ठीक है। इसके बाद किसका नाम आएगा, काउंटर आयन का नाम आएगा, वो क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, जिसको कम कम आधा अधूरा समझ में आया, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऐसा ही है, अगर मान लो पहला किसी को कम कम समझ में आया फिर दूसरा वाला करेंगे, दूसरे वाला कम कम समझ में आएगा तीसरा, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल, ठीक है। तो क्लास में ही अच्छे से करके जाना है, ताकि घर पे सिर्फ एक बार फटाफट से रूल को पढ़ लो, जितने भी रूल्स हैं, और क्वेश्चन लगाओ नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन। अगर आपके मॉड्यूल में आपको लग रहे हैं कि मैम कम है, तो मैं आपको और प्रोवाइड कर दूंगी, करने वाले तुम बनो, ठीक है। चलिए आ गया हो, ये क्या है,
अब मत बोलना मैम नहीं पता, मैंने देखो अभी बोला था आप लोगों को ये बार बार से पाला ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, देखना एक बार ठीक है, यहाँ पे टू आएगा ये थ्री आएगा, ध्यान रखना चार्ज बैलेंस्ड होना चाहिए ठीक है। चलिए अच्छा अभी क्या करेंगे, इसका वही नामकरण करना है, तो सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखूंगी, तो क्या लिखूंगी, क्या यूज करूंगी, ट्रिस ठीक है मैम, फिर क्या लिखूंगे, इथेन इसको लिखो आप ब्रैकेट में लिखोगे ठीक है। उसके बाद लिगेंड का काम खत्म। अब आपको पता कैटायनिक है तो सेम कोबाल्ट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन से आएगी कोबाल्ट की, एक सेकेंड रुक जाओ, तुम लोगों को अभी भी मेरे को लग रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में गड़बड़ है भाई, कुछ तो लोचा है जो तुम गड़बड़ कर रहे हो, प्रैक्टिस नहीं की ना ऑक्सीडेशन स्टेट की अच्छे से, क्यों कर रहे हो, कैसे क्यों कैसे निकाल के, यहाँ से निकाल लो बेशक, इधर देखो निकाल लो यहाँ से, ये तो न्यूट्रली लिगेंड है ना, तो इसको क्या देखना, जीरो कंसीडर कर लेंगे उसे ठीक है, ऐसे कर लो 2x minus 6 is equal to 0, x plus 3 हो जाएगा, तीन है ना सल्फेट, तो एक पे माइनस टू का होगा, तो तीन पे कितने का होगा, माइनस सिक्स का होगा, दो कोबाल्ट है तो मैंने 2x लिख गया, तो एक कोबाल्ट पे कितने की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, प्लस थ्री को, ध्यान रखो कोबाल्ट की प्लस टू और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, तो अगर मान लो किसी की प्लस फोर आ रही हो गलती से, प्लस फाइव आ रही हो, इट मीन्स तो पक्का तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, और लास्ट में क्या लिखोगे, सल्फेट, देखो मेरे पास स्पेस नहीं था, तुम लोग ये गड़बड़ मत कर देना, सल्फेट, सल्फेट तो मत लिख देना क्योंकि अभी वो लिगेंड नहीं है, मतलब अंदर नहीं है ठीक है, बाहर है आपका काउंटर आयन को, आप जो नाम है लिखोगे, हाँ जी सल्फेट, नाम लिखते वक्त थोड़ी फ्रैक्चर कर रहे हैं, क्या हुआ बेटा, मैं अपने इथेन 1 2 डायमिथाइल को फ्रैक्चर में क्लोज कर रहा हूं, नाम लिखते वक्त थोड़ी क्लोज कर रहे हैं, क्या बोल दिया, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी, बीच बीच में इतनी पेनल्टी कम हो रही है, ब्रैकेट में लिखना है इसको, जो आप ये ट्रिस वगैरह बीस यूज करते हो उसके बाद जो नाम लिखोगे वो आप ब्रैकेट में लिखोगे, यही तो उसने पूछा था प्रियांशु ने, समझे ठीक है दीपक, ओके ओके। अब क्या करोगे, एक काम करो जल्दी से, तुम करो ये शुरू हो जाओ, जल्दी से लिखते जाओ और हैंड रेज करते जाओ, ये मैं तुम लोगों से करवाऊंगी, एंड देन इसके बाद सॉल्यूशन अपना मैच करेंगे कि तुम लोगों के कितने ठीक है, तो ये लगा लो 5 मार्क्स का टेस्ट है ठीक है, हो जाओ शुरू। मैम लास्ट वाली स्लाइड में आपने ट्रेस किससे लिखा था, एक बार वो बता दीजिए, ये देखो ना बच्चे, ये देखो एन कितने हैं, 3 है ना, तो आप क्या यूज करोगे प्रीफिक्स में, ट्रिस यूज करोगे, क्योंकि ट्राई तो नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि अगर आप ट्राई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्राई इथाइलिन डायमीन बन जाएगा, उसका कोई सेंस नहीं है ठीक है, तो आप क्या यूज करेंगे, ट्रिस यूज करें, जैसे हमने वो देखा था ट्राई फिनाइल फॉस्फाइड है ना, तो उसमें हमने क्या लिखा था, बिस ट्राई फिनाइल फॉस्फाइड, ताकि हम ये बता पाए कि पीपीएच 3 कितने हैं, 2। मैम हाँ, वो वाला कंपाउंड न्यूट्रल कैसे हुआ, एक बार वो बताओगे मैम, ये वाला, यस मैम, जो आप बोल ऑक्सीडेशन, कोई नहीं मैं दोबारा बता देती हूँ, कोई बात पूछ लिया करो, ऐसा चुप मतलब ऐसा वो मत हुआ करो, ये देखो, ये देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे बाहर ये देखो 2 लिखा हुआ, इसका मतलब ये 2 है क्या, देखो देख पा रहे हो प्रियांशु ठीक है, यस मैम, ये 3 नेगेटिव का चार्ज आएगा और ये कितने सल्फेट, 3 है, तो 3SO4 2 नेगेटिव, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम वो नहीं लिखते मैग्नीशियम को, अरे सॉरी सो सॉरी 3 पॉजिटिव का आएगा ठीक है। अब देखो ये भी प्लस 6 है और ये माइनस 6 है, हो गया ओवरऑल न्यूट्रल ठीक है, उसका तो चार्ज 3 निकाला था ना अभी, क्या हुआ बेटा, मैम उसका तो चार्ज आपने वो ऑक्सीडेशन प्लस 3 निकाली थी,
हाँ तो प्लस थ्री तो निकाली है ना, प्लस थ्री तो है कोबाल्ट की। कान कंफ्यूज हो रहे बेटा, कोबाल्ट की प्लस थ्री ही तो है ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा आप ये देख रहे हो कि प्लस सिक्स माइनस सिक्स, मैं ये बोल रहा हूँ कि ओवरऑल के टाइम मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना है प्लस सिक्स और कितना माइनस का चार्ज है माइनस सिक्स, तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स जो है न्यूट्रल है, उसको मैं ऐसे आपको लिख के दिखा रहा हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो, समझे विवेक। देखो ये बिल्कुल ऐसे है, इधर देखो टेंथ में वो पढ़ा था कि फॉर्मूला बनाना सीखा था, नाइन्थ में था। आपको पता है मैग्नीशियम की वैलेंसी टू होती है, ब्रोमीन की वन होती है, तो आप क्या करते हो क्रिस-क्रॉस कर देते हो ना। यस मैम, वही तो किया यहाँ पे मैंने। हाँ जी प्रियांशु अब बोलो, प्रियांशु बोलो, हुआ डाउट जो क्लियर हुआ या वही का वही है मैम? हो गया। अच्छा प्रियांशु, अच्छा विवेक का हो गया प्रियांशु, मेरा तो था ही नहीं। अच्छा तो ये क्वेश्चन किसका था फिर, विवेक का था? अच्छा तुम लोगों की आवाज बहुत बिल्कुल ऐसा सिमिलर सिमिलर सी थी तो मैंने देखा ली। ठीक है विवेक चलिए ओके, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, टेंशन मत लो। चलिए ये वाले करने शुरू करो, करना शुरू कर दिया। ये फर्स्ट वाला किसका हो गया? हैंड रेस करो, फर्स्ट वाला किसका हो गया? लुगना का हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ है क्या? मैम आपने स्लाइड हटा दी थी ना। अच्छा या ये वाला मैं करवाऊं, बाकी तुम करोगे, बताओ क्या कहते हो? ये वाला इधर देखो, क्या करोगे इसका, कैसे करोगे इसका नामकरण? हैंड रेस करा करो, देखो जिसका हो गया, ऐसे बीच बीच में ना डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है हाँ श्रेयसी तुमने कर लिया, बताओ मुझे। वो मैम मैंने थोड़ा गलत कर दिया, एक सेकेंड। अच्छा लुगना आप बताओगी? यस मैम। हाँ बताओ मैम, इसका डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो और फिर एन प्लैटिनियम, प्लैटिनियम के बाद वो टू नाइट्राइटो एन प्लैटिनम लिखूं या प्लैटिनेट लिखूं? प्लैटिनेट प्लेटिनेट या प्लेटिनम? अरे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है मैम, प्लेटिनम। यस मैम ठीक है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ प्लेटिनम की क्या? जीरो। मनीषा क्या कर रही हो मैम? जीरो परसेंट। सेल जीरो कैसे आएगी मैम? टू आएगी मैंने नहीं, टू आ रही है। ठीक है ये किसका वो माइक जो है अनम्यूट पे है, म्यूट करो। टू आएगी इधर देखो एक्स, इस ये क्या न्यूट्रल है जीरो, इस पे कितने का होता है माइनस वन का, इस पे कितने का होगा एनओ टू पे माइनस वन का इज इक्वल टू जीरो, तो कितना आ जाएगा? प्लस टू। मैम ये मैंने कर लिया था लेकिन एनएस थ्री के बाद जो टू था ना वो मैंने देखा नहीं था। ऐसे मत करो ठीक है। चलो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, बी वाला पार्ट देखो, इसमें क्या करोगे जब आप इसको लिखोगे तो ध्यान रखना, अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका जो काउंटर आयन है सबसे पहले आप उसी को ही लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो? पोटेशियम। ठीक है इसके बाद क्या करनी है आपको, वही जैसे मैंने सिखाई है, पहले लिगेंड लिखोगे तो आपको लेंगे ना? नहीं 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 ध्यान से सुनो, ये एक ये भी रूल था शायद मैंने वहां पे नहीं बताया आप लोगों को, अगर आपके स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे आपका काउंटर आयन है कैटायनिक वाला ही पार्ट होगा तो आप उसको पहले लिखेंगे, समझ रहे हैं? अगर आपके राइट हैंड साइड पे है तो उसको सबसे एंड में लिखोगे, ये लिख लो अपनी नोटबुक में काम आएगा वरना गलती कर दोगे। ठीक है तो आप पहले क्या लिखोगे यहाँ पे? पोटेशियम लिखोगे। उसके बाद इसका क्या नाम होता है C2O4 क्या है? ऑक्सलेट। क्या लिखोगे? ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो। ट्राई ऑक्सलेटो। और ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, अनायनिक है या कैटायनिक है? अनायनिक है ना, 3+ और 3-। अनायनिक।
प्लस वन माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कोबाल्टेट थ्री रोमन। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो मुझे, प्लस थ्री प्लस थ्री कैसे पोटेशियम की प्लस वन होती है थ्री के लिए प्लस थ्री हो जाएगी प्लस एक्स ठीक है सी टू ओ फोर क्या आपका बायोडेंटेट माइनस एक एक करके बोला करो। हाँ हाँ मैम कोबाल्टेट की जगह क्रोमेट होना चाहिए ना। अरे 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 ठीक कर लिया करो क्रोमेट ठीक है। हाँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी प्लस थ्री होगी, प्लस थ्री प्लस एक्स सी टू ओ फोर पे माइनस टू का चार्ज होता है तो क्या हो जाएगा माइनस सिक्स ठीक है। तो कितना आ गया बोलो हाँ या ना। चलिए सी वाला करो, एक काम करो हो गए पांच ठीक है। सी वाला कौन बताएगा, गायत्री तुम बताओ बेटा। मैम डाइक्लोरो डाइक्लोरोडोबिस इथेन वन टू डायहामाइन वेरी गुड ओ वन और मैम इसके ऑक्सीडेशन नंबर थ्री है ठीक है। पहले तो इतना स्लो बोला प्यार से फिर एकदम फटा मैम इसके ऑक्सीडेशन से प्लस थ्री है ठीक है। मैम स्पेलिंग बहुत अजीब से होती है तो फिर बोला नहीं जाता। क्या हुआ गायत्री? मैम वो स्पेलिंग अजीब सी होती है ना इसलिए बोला नहीं जाता। कोई बात नहीं बेटा आपने बिल्कुल ठीक बताया ठीक है। हाँ हाँ सीओ कहाँ गया कोबाल्ट कहाँ गया मैम इसमें लिख रही हूँ बेटा कोबाल्ट ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी भी थ्री हो जाएगी और क्लोराइड हो जाएगा जल्दी बोलो मैम क्लोराइड आएगा क्लोराइड हो क्लोराइड आएगा ना काउंटर आयन को आप क्लोराइडो नहीं लिखोगे जब आप लिगेंड की नेमिंग करोगे अंदर तब आप क्लोराइडो यूज करोगे। यहाँ पे आप क्लोराइड देखो ना यहाँ पे मैंने क्लोराइडो लिखा है। यस मैम ठीक है। अब डी वाला देखो जल्दी से एक काम करना डी वाला खुद करना ई वाला देखो ई वाला मैं करवा देती हूँ। अब क्या है पहले आप मर्क्यूरी लिखोगे यस मैम ठीक है जी उसके बाद ये क्या नाम है इसका टेट्रा थायो साइनेटो एस और ये क्या है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये प्लस वन में है ये माइनस वन में है तो क्या होगा प्लस थ्री हो जाएगी। अब ये जिसने भी ये कर लिए हैं एक बार अपने वैसे मैंने करवा दिया है एक बार अपने इस तरह से आंसर मैच कर लो सारे ठीक है जल्दी देख लो फिर मैं आगे चलती हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ अभी मैम सही है सारे हो गए चलिए। लास्ट वाले में एरस्कोबाल्ट क्यों आया मैम दादा? अच्छा क्योंकि बच्चे ये देखो ना सल्फर से अटैच है आपका कौन सेंट्रल मेटल अगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट तो नहीं है नाम को अगर एनसीएस होता। हाँ वैसे मतलब देखो आपके नीट में क्या है चार ऑप्शन आएंगे वैसे लिखोगे तो ज्यादा सही रहेगा बट नीट की अगर मैं बात करूँ तो चार ऑप्शन आएंगे अगर ऑप्शन में मेंशन है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात अगर उन्होंने नहीं दे रखा तो फिर छोड़ देना ठीक है। चलिए उसके बाद ये देखो कॉम्प्लेक्सेस कंटेन ये वाले देखो ये तो सिंपल है एक बार फटाफट से देख लेते हैं बेटा इसको हेक्सा अमीन कोबाल्ट थ्री क्लोराइड यस ठीक है। एक बार ये कॉम्प्लेक्स लिख के अपने आप करने की कोशिश करना देन इसका आंसर मैच करना ठीक है जी। यस मैम ओके तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं अभी ऐसे ना सारे एक साथ नहीं बोलोगे एक बार क्वेश्चन को पढ़ो रीड करो और उसके बाद हैंड रेज करो। क्या वो बेटा क्या है? हाँ ये हेक्सा किस है ना जैसे आप क्या यूज करते हो बिस है ना ट्राई टेट्रा किस पेंटा किस हेक्सा किस तो ये देखो ना सिक्स है ना इस वजह से यहाँ पे ये यूज किया मैं फाइव के लिए होता है पेंटा किस होता बेटा ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन जब हो जाए हैंड रेस कर लेना आप लोगों से ही पूछूंगा।
और ध्यान रखना आपको सिमिलर से मिलेंगे ऑप्शंस। हाँ जी ओके, मनीषा ने कर लिया हैंड रेज, साक्षी ने कर लिया, वेरी गुड। बाकी 25 स्टूडेंट्स बैठे हो यहाँ पे क्लास में और मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट 20 स्टूडेंट्स का हैंड रेज होना चाहिए। ये देखो छाया ने भी हैंड रेज कर लिया और आज उसकी फर्स्ट क्लास है, वेरी गुड बेटा। ओके ओके छाया आप ही बता दीजिए। हाँ छाया, क्या ऑप्शन होगा इसका? आई यू पिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट का बी, सेकंड का मत बताना बी। जुनेद क्या होगा? बी होगा क्या जुनेद? यस मैम। ठीक है तो बी इसका करेक्ट होगा, ट्राई अमीन रोमाइडो तो किसी भी हाल में नहीं हो सकता, तो सारे ऑप्शन तो वैसे गए। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी ना निकली इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है बच्चे, सबसे अच्छी एडवांटेज ही यही होती है एमसीक्यू की, ऑप्शन को एलिमिनेट करके सोल्व करोगे ना उतनी ही कम नेगेटिव मार्किंग होगी। ऑप्शन को एलिमिनेट करके करोगे स्पेशली इनऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। ऑप्शन एलिमिनेट करके अगर क्वेश्चंस करोगे तो गलत होने के चांसेस कम होंगे और गलत होने के चांसेस कम होंगे तो नेगेटिव मार्किंग आप ज्यादा नहीं करवाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। आयुपिक नेम इसका हैंड रेस कीजिए। गुंजन मैंने क्या कहा था, लगा दू के चाटा मैंने गलत बातें, क्या हो गया? अच्छा क्या पता गुंजन गलत बोल रहा हो, मैं गलत ही हूँ। चलो मनीषा सही बताएगी फिर। हाँ मनीषा मैम बी अमीनो नाइट्राइड नाइट्राइड एंड क्रोमेट अमीन टेट्रासाइनाइडो नाइट्राइटो एंड क्रोमेट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए क्या होगी, एक्स माइनस वन माइनस फोर माइनस टू तो कितना हो गया माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री प्लस थ्री आ जाएगा तो ऑप्शन यही हो। ठीक है ये वाला वैसे ही नहीं हो सकता, ठीक है क्योंकि क्रोमियम लिखा हुआ है यहाँ पे, ओ क्रोमेट है ये वैसे ही गलत हो गया। यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन टू ही ऑक्सीडेशन स्टेट ही गलत लिखी हुई है तो वो भी गलत हो गया। ठीक है आगे चलो, चलिए और करते हैं क्वेश्चन। इसमें भी वही सेम है, इसमें तो आंसर लिख दिया भाई, एक बार चेक करना इसका सबका सी आ रहा है क्या। सर मैम आंसर दे ही रहा है उसका, क्या पता गलत भी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता मैम, चेक कर रहे हैं। सी है मैम, सी है मैम, सी आ रहा है। अच्छा सी है, सी आ रहा है। क्या होगा? ट्राइअमीन ब्रोमाइडो नाइट्राइटो, अब देखो ना इन्होंने यहाँ पे एन नहीं लिखा हुआ, इधर देख रहे हो इधर इन्होंने नाइट्रो लिखा हुआ है, तो अब हम इसको क्या गलत बोल देंगे क्या? नहीं, अब फिर हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेटिनम फोर क्लोराइड, तो यानी कि ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। आगे चलें, इसका कीजिए। क्लियर हो रहा है ना नोमेनक्लेचर, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, थोड़ा बता दो मुझे, ठीक है। जो अभी तक तीन लेक्चर हुए हैं उसमें अगर फिर भी किसी को बच्चे प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो, नहीं तो अपना जो डाउट सॉल्विंग ग्रुप बना हुआ है उसमें कर दिया करो विदाउट एनी हेजिटेशन, क्योंकि इसके बाद मैं आप लोगों को वीबीटी करवाने वाली हूँ और वीबीटी में से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स रहता है, आना ही आना है। हालांकि 2023 में नहीं आया, ठीक है, प्रिडिक्ट तो किया था आएगा बट नहीं आया, बट कोई बात नहीं, अगर मैं उससे पहले वाले साल के देखूं पेपर तो हर साल आ ही जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ मुझे, तस्लीम तुम बताओगे? हाँ बताओ बेटा तस्लीम। डी ऑप्शन है सर। कौन सा डी? ए मैम, मैम
एक डी बोल रहे हैं, एक ए बोल रहे हैं, बाकी गायत्री मैम डी 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 फॉर डॉग ना डॉल यस मैम। एक बार देख लेते हैं डाई अमीन क्लोरो, अब देखो इन्होंने क्लोराइडो नहीं लिखा तो गलत मत बोल देना ठीक है। नाइट्राइटो एन और प्लेटिनेट कहाँ से आ गया भाई? डाई अमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम टू बेटा क्या नाम है जिसने भी ये वाला ऑप्शन बोला है? ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स में एलिमेंट का वही सेम रहता है नाम जो एक मेटल का होता है ठीक है। क्या हुआ बेटा? पहला क्वेश्चन ठीक हुआ ये मेरा। ओके फाइनली ठीक हो गया विवेक, पार्टी और पार्टी दे दो। हाँ मनीषा को पार्टी चाहिए। चलो ठीक है दे दो, तो दे दो पार्टी दे दो, दो थप्पड़ मार दो मिल जाएगी तेरे को ना। मार दू बेटा बहुत ज्यादा नहीं बोलता तू क्लास में। चलो इधर देखो, फालतू बातें मत किया करो तुम लोग पढ़ाई के टाइम पे। पढ़ाई जब क्लास ओवर हो जाएगी फिर जितनी मर्जी कर लेना। अभी देखो 9:20 भी हो गई है, पता भी नहीं चला। तो अभी देखो सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, डायमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन प्लेटिनम सेकेंड ठीक है। ओके ये क्या लिखा हुआ है? राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग आयुपेक नेम। विवेक अब दोबारा ट्राई करियो बेटा और कितने इम्प्रूवमेंट हो गया ठीक है। अभी तुम्हें क्या किया है आयुपेक जी बेटा की क्लास में नहीं था मैं। अच्छा आप भी कैटलिस्ट से आए हो अल्फा में? अच्छा तो मतलब आज छाया भी फर्स्ट टाइम आई है और विवेक भी और एक और स्टूडेंट ही मैं नाम भूल गई उसका, कौन था एक बार बताओगे मुझे? मैम अंशिका। नहीं अंशिका तो रेगुलर रहती है मतलब मेरी क्लास में आ रही है। ममता, हाँ ममता, हाँ हाँ ओके ओके बेटा। अच्छा वैभव हो आपका, आपका नेम वैभव है ठीक है। तो आप तीनों के लिए आज एक काम है, अगर आपको कोऑर्डिनेशन वैसे तो ट्राई कर रही हूँ कि समझ में आ जाए, आप पहले जो दो लेक्चर है वो आप वो देख लें ठीक है। बिटली लिंक मैंने अपलोड अपडेट कर देती हूँ मैं डेली बेसिस पे, आप लोग वहां से देख लीजिएगा सारी चीजें ठीक है। नोट्स मॉड्यूल जो भी आपको चाहिएगा, कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना मेरे से ठीक है। अच्छा ये जब तक ये करो बेटा, आपको अब क्या लिखा हुआ है? आयुपेक नेमिंग लिखी हुई है, आपको सिर्फ इसके फॉर्मूला लिखना है। अब ये फॉर्मूला तो तुम लोग चैट बॉक्स में नहीं लिखोगे। हाँ बेटा कहाँ पे बेटा? ये बी वाले पार्ट में आर्जिनेट है ना, सिल्वर सिल्वर में। हाँ जी ठीक है कर लो इसको, दो मिनट दे दे रही हूँ फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। इसका सॉल्यूशन तो नहीं है तो इसका आंसर मैच आप लोग ही करवाओगे ठीक है, जल्दी कर लीजिए। अच्छा बड़ी जल्दी हो गया भाई। अंशिका ने तो भाई चैट बॉक्स में भी लिख दिया, कितनी मेहनत की इसने, वेरी गुड। बाकी अंशिका आप हैंड रेस कर लेती। चलिए चलिए चलिए, तो अंशिका ने जो फर्स्ट बताया है वो क्या बताया है? टेट्रामीन डाई क्लोराइडो कोबाल्ट थ्री क्लोराइड। तो कैसे लिखोगे? पहले तो कोबाल्ट ही लिखोगे, टेट्रामीन बोले तो NH3 और क्लोराइडो मतलब ये बोल ये होगा क्या होगा कंपाउंड का चार्ज निकालेंगे। और हाँ चार्ज निकाल के क्रॉस चेक जरूर कर लेना कि ठीक लिखा है ना, कहीं पता चले यहाँ पे Cl2 लगा के आ गए या कुछ और लगा के आ गए ठीक है। प्रियांशु थोड़ी सी गलती की है बेटा तुमने, गलती होगी ना। अच्छा ठीक है कोई नहीं, टाइपिंग में गलती हो चलेगी। टेट्रा का हाँ जी, चलिए आगे करो। डाई साइनाइडो यही आया क्या? यस मैम यही है ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना ठीक है। जनरली ना एक चीज ध्यान रखना बच्चे, जो ये कॉपर और जो सिल्वर होते हैं ना, अगर इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो जनरली ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं ध्यान रखना। नेक्स्ट करते हैं सी वाला क्या है? कॉपर ट्रिस इथाइनिंग डायमीन। तीन हो जाएगा, ई है इन और थ्री मैम, सी यू ई एन थ्री और एस ओ फोर ठीक है।
यही होगा यस मैम ओके अपना मैच करते जाओ बेटा नेक्स्ट है सोडियम अब देखो ना सोडियम है यानी कि ब्रैकेट के बाहर आएगा है ना फिर क्या आएगा एल्यूमिनेट है ठीक है जी डाई एक्वा और कितना हाइड्रोक्साइड टेट्रा हाइड्रेक्स क्या लिखा हुआ है हाइड्रोक्साइडो यानी कि ये ठीक है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी मैम ये ओ एच लिखा है या ओ चार लिखा आपने एच तो सही तुम लोग ना बड़े खराब हो ठीक है कर लो भाई उसको ठीक ठीक है एच है वो भावनाओं को समझो तुम तो पता नहीं क्या ही देखते रहते हो नहीं मैम नोट्स जब बनाता हूँ ना जब कहीं ये चार एच की जगह चार लिखता हूँ जल्दी जल्दी भी लिख दिया ठीक है यही होगा इसका एक बार इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो प्लस वन प्लस एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो प्लस थ्री हाँ कहीं पता चले दो सोडियम लगा दिए चलें आगे चलें जल्दी बोलो यस मैम एक और होमवर्क ये घर के लिए लोगे या अभी करोगे मन है तो अभी करो अभी कर लेते मैम ठीक है अभी कर लो फिर उसके क्वेश्चंस आप लगा वैसे ऑलमोस्ट सारे कवि वैसे एनसीईआरटी का है ये क्वेश्चन अच्छा है ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है थर्ड वाला ठीक है आप लोग कीजिए देन अपना आंसर मैच करेंगे फिर जल्दी जल्दी कर लो करो सारे बच्चे अंशिका अनुष्का अनुष्का दोनों है अनुष्का अनुष्का सिंह बच्चे आप कभी कभी आते हो क्लास में क्या हुआ ऐसा क्या हुआ अगर आप यहाँ नहीं बताना चाहते आप मुझे पर्सनली टेक्स्ट कर देना ठीक है मैम मुझे क्वेश्चन पूछना है किसने अनुष्का ने नो मैम मुझे श्रेषी अच्छा हाँ श्रेषी बोल बेटा मैम पीछे वाला स्लाइड पे जो थर्ड ऑप्शन था जिसमें मतलब हमें मैम जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें अर्जेंटेट का मैम क्या है फॉर्मूला स्ट्रक्चर फॉर्मूला बच्चे अर्जेंटेट क्या है सिल्वर है ओके मैम जल्दी जल्दी करो फिर मैं क्लास कल करेंगे ईएन रूल आराम से अभी सारा पूरा ध्यान इस पे चला गया जल्दी करो और अपने आंसर मैच करो आपको सिर्फ एक मिनट दे रही हूँ बेटा क्योंकि इसके अलावा और भी है नेमिंग ये देखो आंसर मैच करो जल्दी अपने सारे अगर कर लिया तो यस मैम फर्स्ट मैम हाँ करो करो अपने आंसर मैच करो मैम दो तो सही है दो सही है मैम बाकी गलत मैम नो मैम बाकी तो दे ही नहीं पाएंगे मैम मैम चेन कर देना मैम ये लो कर लो मैम इसमें फर्स्ट रो में सीएल3 है तो मैम उसमें सिर्फ आगे ऑप्शन में क्लोराइड लिखा है कहां पे मैम फर्स्ट में मैम काउंटर आयन जो है सीएल थ्री और यहाँ पे सिर्फ क्लोराइड लिखा है सीएल है ना सीएल काउंटर आयन जो है सीएल थ्री है ना हाँ तो मैम ट्राई भी तो लगना चाहिए ना सिर्फ वहाँ पे क्लोराइड लिखा है नहीं नहीं वो नहीं लगता है बस एक सेकंड बेटा एक सेकंड आपको सिर्फ बेटा क्लोराइड लिखना है वो तो यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है ये यहाँ पे ये दिखाना चाह रहा है कि कॉम्प्लेक्स पे थ्री प्लस का चार्ज है अभी कर लिया जल्दी से आंसर मैच करो मैम सही थे सारे बस इसी में कंफ्यूज हो रहा सारे सही हैं यस मैम ये वाला कर लेना इम्पोर्टेंट है पोटेशियम कौन से वाला मैं बता रही हूँ इम्पोर्टेंट है ये थर्ड वाला ना पोटेशियम हेक्सासाइनाइड ये बेसिकली किस तरह से है अगर मैं इसको दिखाऊं तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है राइट यस मैम तो इसका नाम क्या हो जाएगा मिथेनामाइन हो जाएगा है ना मैम किसका इसका बेटा ये जो है ना ये लिखा हुआ है इसका मिथेनामाइन
कोई बात नहीं, ऑर्गेनिक करवा दूंगी मैं तुम लोगों को। इसको क्या बोलते हैं बेटा, एनएच टू बोलते हैं ना, अब इसको एनएच टू को हम अमीन बोलते हैं ना। Yes, ma'am. तो अब तुम यहाँ के इसके साथ एक सी एस थ्री लगा दोगे तो इसका नाम क्या बन जाएगा, मिथेनामाइन नहीं बन जाएगा? चैप्टर है बच्चे, तुम्हारा ट्वेल्थ में एक चैप्टर है लास्ट अमाइंस करके, वहां पे इसकी नेमिंग सिखाऊंगे मैं, ठीक है? चलिए चलो अपने जल्दी से आंसर मैच कर लो फिर आगे चलते हैं। हो गए 27 स्टूडेंट्स हैं यहाँ। अच्छा आनंद सर चले गए तभी इतनी बातें मार रहे थे क्या तुम लोग? यस मैम। बड़े चलो भाई तुम लोग। मैम लास्ट वाली स्लाइड का एक बार सिक्स्थ वाला समझा दीजिए। ये वाला? यस मैम, मिथेमाइन तो समझ आ गया लेकिन एक बार आप बता देते। ये देखो डाइअमीन, ठीक है, क्लोराइडो, मिथेनामाइन, मिथेनामाइन लिख लेना और प्लेटिन, मैं थोड़ा सा स्पेस नहीं है मेरे पास, प्लेटिनम, ठीक है, क्योंकि कैसा कॉम्प्लेक्स है ये कैटायनिक है ना, तो बस ठीक कर लेना, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है बच्चे, ठीक है, इस पे भी कोई चार्ज नहीं है। देखो ना नाइट्रोजन के पास सिर्फ लोन पेयर है, तो हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन आ रही हो, एक्स माइनस वन जीरो इसकी आ जाएगी टू और बाद में आ जाएगा क्लोराइड, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम, ये आप कर लेंगे, ये होमवर्क दे रही हूँ मैं। आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखना है एंड सबसे अच्छी बात है इसका सॉल्यूशन भी है, तो पहले आप खुद करेंगे देन अपने आंसर मैच कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। अभी आओ, अभी नेक्स्ट आते हैं क्योंकि ये पूरा कंप्लीट करना है। वैसे तो आपके बेसिकली जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो इन्हीं से ही आते हैं, जो मोनोन्यूक्लियर आपके देखो ये वाले कॉम्प्लेक्सेस है, लेकिन मान लो कई बार आपको ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखा होगा जिसमें कैटायन और अनायन वाला पार्ट दोनों होने वाला है इस तरह से साथ इस तरह से, तो उस केस में आप इसकी नेमिंग है वो कैसे करोगे ये देखना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे इसकी नंबरिंग मतलब नेमिंग। बेटा जो कोबाल्ट है ना यहाँ पे और जो क्रोमियम है, आपको मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ना वो स्टेबल कौन सी होती है, प्लस टू और प्लस थ्री होती है, ठीक है? यानी कि जो यहाँ पे कोबाल्ट और जो क्रोमियम रहने वाला है वो या तो प्लस टू में रहेगा या वो प्लस थ्री में रहेगा, ठीक है? तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे प्लस फोर और माइनस फोर किया, ध्यान से समझो, क्योंकि पहले कैटायनिक वाला ही होता है और फिर अनायनिक वाला होता है, ये तो पता है ना तुम लोगों को। तो यहाँ पे देखो कोबाल्ट तो बन जाएगा प्लस फोर और क्रोमियम बन जाएगा प्लस टू, अगर मैं निकालू इसकी एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस फोर करके, बोलो हाँ या ना? लेकिन कोबाल्ट की प्लस फोर पॉसिबल नहीं है ना, तो यानी कि बच्चे इस पे क्या चार्ज रहा होगा, प्लस टू, या एक काम करो प्लस थ्री और माइनस थ्री, ये चार्ज रहा होगा। यस मैम, ठीक है, बस इसका नामकरण कर दो। पहले मुझे ये बताओ यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो एक्सप्लेन करो फिर से, नहीं तो मैं दूसरे वाले एग्जांपल में समझा दूंगी, ठीक है? चलिए इसका नेमिंग करते हैं बेटा। ये क्या है, वही सीन है ट्रिस, ट्रिस थायलिन डायमीन, हाई थायलिन लिख लो, एक काम करते मैं भी थायलिन लिख दूं, कोबाल्ट टेक्सास साइनाइड, थायलिन डायमीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट थ्री, पहले इसको पूरा करोगे फिर दूसरे पे आओगे, क्या लिखोगे बच्चे? समझे? आगे देखो बच्चे इसका कैसे करोगे। अब देखो प्लेटिनम में मैंने एक चीज बताई थी, याद करो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस फोर तक रहता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो प्लस फोर होगी, यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिखू, प्लस टू और माइनस टू। यस मैम। यस, तो बस इसका नामकरण मैं कर दू, तुम करोगे? मैम टेट्रा पिरिमिडीन, एक सेकंड, एक सारे साथ में जिससे मैं पूछू, हैंड रेज करना एक बार,
हैंड रेस करो बेटा. किससे पूछूं? किससे अभी तक नहीं पूछा है? लुबना से नहीं पूछा है ना? हाँ लुबना, जागृति एंड लक्ष्मी आज प्रेजेंट है क्या क्लास में? यस मैम हम हैं. और लक्ष्मी? लक्ष्मी ने ज्वाइन तो किया था बट वो लेफ्ट हो गई है, शायद नेटवर्क इश्यू हो सकता है. राधिका है यहाँ पे? राधिका ठीक है. राधिका तुम बताओगी? अगर आता है तो चैट बॉक्स में बता सकती हूँ. हाँ लुबना इसका मुझे बताइए. हम टेट्रापेरेडीन. हाँ प्लैटिनम. प्लैटिनम टू. इसका नाम टेट्रा टेट्राक्लोराइडो. क्लोराइडो प्लैटिनेट. प्लैटिनेट प्लैटिनेट कितना होगा? टू. यस मैम सही है. ये क्या हो गया? अच्छे से नहीं लिखा हुआ. चलो इसका भी कर दो एक बार, तुम भी कर दो, फिर इसका आंसर मैच कर लेना. अच्छा आंसर तो है ही नहीं, कोई नहीं मैं करवा दूंगी. करो. NH36 है या 5 है? NH36 है बेटा. ये होमवर्क के लिए दे दूं, हो जाएगा? हाँ थोड़ा कुछ भी कर लो कुछ. बस एक काम करो, ये लास्ट क्वेश्चन करो, फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कल ही करवाऊंगी, क्योंकि छोटा टॉपिक नहीं है, आधा घंटा लगेगा करवाने में. तो अभी करवाऊंगी और बीच में ही छोड़ दूंगी तो फिर थोड़ा समझ में नहीं आएगा. फिर ये वाला कर दो बेटा एक बार, हैंड रेज कर देना. निगम तुम बताओगे ये वाला? ठीक है ओके मैम. ठीक है. आज कौन एब्सेंट है? बच्चे मेरे को कम लग रहे हैं, तीन चार. प्रभजोत नहीं आई है एक तो. मैम इसका सी होगा. नहीं एक मिनट मैम. हाँ सोच ले बेटा. अश्चर है ये गुम हो गया? मैम उसका नेट खत्म हो गया. ग्रुप में मैसेज किया क्या उसने? यस मैम. उसका नेट बहुत खत्म होता है. चलिए. यस मैम सी होगा. टाइम लग रहा है क्या? सी होगा सबका? सी आ रहा है. निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चे आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी प्लस टू और प्लस फोर. प्लस फोर तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस टू और माइनस टू. तो देख लो ऑक्सीडेशन स्टेट तो टू ही रहेगी, तो डी वाला तो वैसे ही हटा दीजिए. तो और ये क्या है? अनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो निकलेट होगा, निकल नहीं होगा. जैसे देखो मैंने तो पूरा नामकरण किया ही नहीं, मैंने सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट की और मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट. आपको भी ऐसी अप्रोच करना ठीक है. तो ये बहुत मैटर करता है कि हाउ टू क्या हुआ बेटा? हाँ ऑप्शन एलिमिनेट करके करना ठीक है. हाउ टू अप्रोच द पर्टिकुलर क्वेश्चन, कैसे करोगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए ठीक है आज के लिए इतना ही रखते हैं. वैसे मैंने सोचा था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर करा दूंगी बट इसको कल कंप्लीट करते हैं, आधे घंटे का ही टॉपिक है, हो जाएगा ठीक है. चलिए तो आज के लिए आई थिंक इतना इनफ है. या और पढ़ना है? नो मैम. मैम क्वेश्चन सेंड कर देना और. हाँ मैं कर दूंगी बेटा.